तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है कुछ नए निकल में। तो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ छोटा सा सर्वे लाइट। जैसे भी आपको थंबनेल देख के पता चली गया, फिर से मैं बता देता हूँ। और इस सर्वे लाइट को आप घर पे इजीली एकदम बना सकते हो, कोई भी इसको बना लेगा। तो कैसे बनाऊँ इस सर्वे लाइट को, आपको वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आपको पता चल जाएगा। स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अब अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी तरह इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट का वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो को अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर देना। तो चलो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। तो गाइस, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पीवीसी शीट ले लेना है। आप अगर चाहते हो तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने पीवीसी शीट को जोड़ के ऐसे कर लिया है, दोनों एल साइप का जोड़ के। उसके बाद मैंने बीओ गियर मोटर का यूज़ किया है। आप अगर चाहते हो तो आप एंड टू एंड गियर मोटर और जो टरबाइन मोटर बोलता है, दोनों में से कोई भी मोटर का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैं बीओ गियर मोटर का यूज़ किया है। जितना स्लो घूमेगा उतना अच्छा काम करेगा। उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, दोनों पीवीसी पीस को और गियर मोटर को अच्छे से ग्लूगन की मदद से चिपकाना पड़ेगा। तो हम जल्दी से इसको ग्लूगन की मदद से चिपका लेते हैं। उसके बाद गाइस, आपको एक प्लास्टिक का बॉल ले लेना है। आप जैसे क्रिकेट खेलते हो उस प्लास्टिक का जो बॉल आता है उसको भी ले सकते हो। आप अगर चाहते हो तो और कोई भी बॉल का भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको एक जेम्स का बॉटल का यूज़ करने वाला हूँ, बॉल जो कहते हैं उससे मेरे को मिला, तो ये वाला बॉल को मैं यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद इसके ऊपर एक होल करना है जिससे हमारा मोटर का शाफ्ट जो है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा होल करना पड़ेगा। तो हम ग्लूगन की मदद से जो एक होल कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने इसको ग्लूगन की मदद से होल कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारे जो मोटर का जो शाफ्ट है उसको बॉल के अंदर मैंने घुसा लिया है। और आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ग्लूगन की मदद से ग्लू दे देना अच्छे से। और इसको जो मोटर है उसको मैंने चेंज कर दिया क्योंकि इसके जो मोटर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूर रहा था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। तो गाइस, आप बढ़ाते हैं हमारा प्रोजेक्ट का मेन कॉम्पोनेंट की बात। तो हम मेन कॉम्पोनेंट में यूज़ करने वाले एक शीशा, आप ग्लास भी बोल सकते हो। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है। उसके बाद अब मैं ग्लूगन की मदद से ग्लू देके इसका बॉल के ऊपर पूरा जगह पे मैं चिपकाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहे ना, तो मैं थोड़ी सी फास्ट कर देता हूँ वीडियो को क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी सी फास्ट कर देता हूँ। तो गाइस, हमारा बॉल के ऊपर ग्लास लगाना लगभग हो चुका है, थोड़ी सी रह गया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप अगर 5-6 में पढ़ते हो तो आप ग्लास को हाथ लगाना, आपका मम्मी पापा से बोलना, वो लगा देगा क्योंकि आपका हाथ जो है काट सकता है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, आप अगर छोटे हो तो आप किसी बड़े का मदद से इसको लगा सकते हो। आप लगाने की कोशिश मत करना, आपका हाथ काट सकता है। तो मैंने इसको पूरा लगा लेता हूँ, उससे बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, हमारा बॉल के ऊपर ग्लास लगाना पूरा हो चुका है, आप देख सकते हो। उसको बाद हमारा ग्लूगन की मदद से इसको अच्छे से पीवीसी शीट के ऊपर चिपकाना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो तो आप डबल साइड टेप का भी यूज़ कर सकते हो, फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी आप किस चीज़ से इसको चिपकाओगे। तो मैंने इसको ग्लूगन की मदद से चिपकाने वाला हूँ, तो हम जल्दी से इसको चिपका लेते हैं। उसके बाद गाइस, आपको एक टॉर्च लाइट का लैम्प ले लेना है, जैसे मैं लिया हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ करके एक लाइट बना सकते हो। और उसके बाद इसको खड़ा करने के लिए आप पीवीसी शीट का भी यूज़ कर सकते हो और आइसक्रीम स्टिक को भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आइसक्रीम स्टिक को यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ग्लूगन की मदद से इसको स्टिक जो है उसको अच्छे से चिपकाना पड़ेगा। तो हम जल्दी से इसको अच्छे से चिपका लेते हैं। उसके बाद गाइस, मैंने इसको तो अच्छे से चिपका लिया है। उसके बाद मैंने लाइट से चेक कर रहा हूँ कि इसके बीच में लाइट को पढ़ना पड़ेगा, जो बॉल के बीच में एकदम लाइट को जाना पड़ेगा। तो मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ जो किस जगह पे हमारे जो लाइट की जो रोशनी है किस जगह पे पड़ रहा है। तो हमारा बॉल के बीच में पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये स्टिक को ग्लूगन की मदद से भी चिपका लेंगे। तो हम जल्दी से इसको ग्लूगन की मदद से चिपका लेते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा प्रोजेक्ट बन के एकदम रेडी हो चुका है और इसको मैं आपको टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले गाइस, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप अगर चाहते हो तो आप बैटरी का यूज़ करना। तो मैं इसको मोटर को चलाने के लिए मैं चार्जर का यूज़ करने वाला हूँ, एडाप्टर का जो बोलता है मोबाइल का चार्जर उसका यूज़ करने वाला हूँ। और लाइट को चलाने के लिए मैं बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ।
तो मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि इस प्रोजेक्ट को आप इजीली बना लोगे, एकदम इजी प्रोजेक्ट है, आप इजीली बना सकते हो इसको, और कोई भी डेकोरेशन में इसको यूज़ कर सकते हो, घर का डेकोरेशन में, और आप अगर दोस्त का बर्थडे पार्टी है उसके में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसका थोड़ी सी टेस्टिंग का क्लिप जो है देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट जो है कैसा काम कर रहा है, एकदम रोशनी रोशनी कर दिया मेरा घर को, पूरा रोशनी कर दिया। आप अगर चाहते हो तो इसको दिवाली में भी यूज़ कर सकते हो, और बर्थडे पार्टी में तो एक बार यूज़ ही करके देखना है आपको कैसा लग रहा है, इसको एक बार बना के देख लेना, और इसको एक बार किसी का बर्थडे में एक बार यूज़ भी करके देखना कैसा रहा है। तो आपको वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट करके बता देना, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी तरह इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट वीडियो को देखने के लिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो बट लाइक भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो मेरे को कैसे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ गाइस आप एक लाइक कर देना, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे को नेक्स्ट कोई वीडियो को बनाने के लिए। आप अगर सब्सक्राइब भी कर देना उससे ज़्यादा मेरे को खुशी मिलेगी। तो चलो मिलते हैं कोई किसी की नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो को साथ लेके। तो गाइस बाय बाय।